हेलो, दिस इज पार्ट नंबर सेकंड ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में अपन ने लास्ट में छोड़ा था एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो इनको अपन आज समझेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर समझ रहे हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किसे बोलते हैं? तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ऐसे कोई भी क्वांटिटी जो कि डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मैटर पर, उसे बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, जो मैटर पे डिपेंड करती है, कितना अमाउंट भर रखा है उस पर डिपेंड करती है, उसे बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सपोज करिए एक कंटेनर है, उसमें अपन ने मान लीजिए कि दो एप्पल रखे और अब वेट नापा। ठीक है, मान लीजिए कि आपने पास वेट आया 200 ग्राम। अब अपन यहाँ पे चार एप्पल रख देते तो भी 200 आता क्या? नहीं आता। कितना आ जाता? 400 या 500 आ जाता। तो मतलब क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे तो मास बढ़ता जाएगा, तो मास क्या हो गया? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है ना, तो मास किस पे डिपेंड कर रहा है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर ज्यादा डालोगे तो मास भी ज्यादा हो जाएगा। ऐसे वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम क्या है? वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर आपने क्वांटिटी ज्यादा डाली तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्वांटिटी कम डाली तो वॉल्यूम कम होगा। तो कुल मिला के ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है, उन्हें बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसके अपन को अगर डेफिनेशन लिखनी है तो अपन इस तरह से लिखेंगे, अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन, ए प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। तो मैटर के अमाउंट पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, प्रेजेंट इन अ सिस्टम। किसी सिस्टम में कितना मैटर प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती है। प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि मटेरियल के अमाउंट पर निर्भर करेगी, उसे बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं अपन, वो है मास। ये बिल्कुल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, कोई चीज़ ज़्यादा डालेंगे तो मास ज़्यादा होगा, कम डालेंगे तो कम होगा। एक कंटेनर में पानी ज़्यादा डालोगे तो ज़्यादा अमाउंट डालोगे तो ज़्यादा मास मिलेगा, कम अमाउंट डालोगे तो कम मास मिलेगा। वॉल्यूम, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मटेरियल ज्यादा डालोगे तो ज्यादा वॉल्यूम होगा, कम डालोगे तो कम वॉल्यूम होगा। नंबर ऑफ मोल्स, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर मटेरियल ज्यादा डालोगे तो ज्यादा मोल होंगे, कम डालोगे तो कम मोल होंगे, है ना। अच्छा, अब ये एनर्जी जो होती है, इसमें हीट आ जाएगा, वर्क आ जाएगा, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये भी अमाउंट पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। अगर मान लो कि आपने किसी कंटेनर में ज्यादा गैस डाल रखी है, अब उसको आपको दबाना है तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्वांटिटी ऑफ गैस कम होती तो कम वर्क करना पड़ता। कोई कंटेनर में ज्यादा गैस डाल दी है, अब उसको गर्म करना है, टेम्परेचर बढ़ाना है तो ज्यादा हीट करना पड़ेगा। कम गैस डालते तो मॉलिक्यूल को गर्म करने के लिए कम हीट देनी पड़ती। तो कहने का मतलब, ये हीट और वर्क भी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा, है ना। भाई एक छोटा पत्थर उठाना है तो कम वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा पत्थर है, बड़ा पत्थर है, मास ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, उसको उठाना है तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ऐसे भी सोच सकते हैं, मतलब वर्क भी एक एक्सटेंसिव हो गई प्रॉपर्टी। ये भी डिपेंड करेगी कि कितना अमाउंट है मटेरियल का। अगर ज्यादा अमाउंट है तो ज्यादा काम करना पड़ेगा आपको, और कम अमाउंट है तो कम काम से काम चल जाएगा। इसके अलावा इस चैप्टर में और भी कुछ टर्म्स आएगी धीरे धीरे, आगे उसको अपन समझेंगे, लेकिन यहाँ पर अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नाम आ रहा है तो अपन उनके नाम लिख देते हैं। एंथैल्पी, इसको भी अपन चैप्टर में आगे समझेंगे ये क्या होता है। एंट्रोपी, इसको भी अपन समझेंगे, लेकिन एक बार के लिए नाम लिख देते हैं ताकि ये पता रहे। हाँ, लिस्ट बन जाए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये है। गिब्स एनर्जी, वो एनर्जी से रिलेटेड ही पार्ट हो गया। इंटरनल एनर्जी, वो भी एनर्जी होगी एक तरह की। तो एनर्जी अपन ने यहाँ पे पहले ही लिख दिया था, एनर्जी, हीट, वर्क, ये सब एक्सटेंसिव है। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, ज्यादा मटेरियल तो इनका वैल्यू भी ज्यादा होगी, कम मटेरियल तो इनकी वैल्यू भी
कम होगी। मैंने बोलता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद अपन सीखेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव के साथ साथ अब अपन क्या सीखने जा रहे हैं, इंटेंसिव। तो ये 7th नंबर का पॉइंट चल रहा है चैप्टर का, जिसमें अपन ने अभी तक एक्सटेंसिव सीख लिया है। अब इसमें अपन इंटेंसिव प्रॉपर्टी सीखेंगे। अब ऐसी प्रॉपर्टी जो कि क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पर निर्भर नहीं कर रही, जैसे एक ग्लास का टुकड़ा लिया, छोटा टुकड़ा लो, बड़ा टुकड़ा लो, मीडियम टुकड़ा लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.5 है जो है, मतलब वो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं कर रहा। मैं बोलूँ डेंसिटी, अब छोटे कंटेनर में पानी लो, बड़े कंटेनर में पानी लो, बड़ी टंकी में पानी लो, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम आएगा। तो मतलब बड़ा कंटेनर लो, छोटा कंटेनर लो, ज्यादा पानी लो, कम पानी लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब में तो फिक्स ही आएगा ना, इतना ही आएगा। तो डिपेंड नहीं कर रही मटेरियल पर। तो प्रॉपर्टीज या क्वांटिटीज जो कि डिपेंड नहीं कर रही है अमाउंट ऑफ मटेरियल पर, ठीक है ना। तो जनरली जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है ना, जैसे डेंसिटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये बातें हो गई इसके बारे में। तो प्रॉपर्टी विच इज प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, जो मैटर के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सिस्टम, प्रेजेंट इन अ सिस्टम, जो मैटर के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जैसे भी अपन एग्जांपल सीखे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई अमाउंट ऑफ ग्लास पे थोड़ी ना डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा ना। डेंसिटी कोई अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड थोड़ी ना कर रही है, जो 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब में पानी आएगा उसका अमाउंट तो फिक्स ही होगा, चाहे बड़ा कंटेनर लो चाहे छोटा कंटेनर लो। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब तुम बड़ा एरिया बड़ा लो छोटा लो उससे मतलब नहीं है, यूनिट एरिया पे तो जितना है उतना ही लगेगा भाई। एयर प्रेशर लगा रही है ना, बड़े एरिया पे जो लगाएगी वही छोटे एरिया पे लगाएगी, प्रेशर का मतलब यूनिट एरिया पे कितना प्रेशर लग रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, चाहे छोटा ग्लास लो चाहे बड़ा ग्लास लो, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। डेंसिटी, पानी ज्यादा लो कम लो, उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये तो है। अब बड़े ग्लास में लोगे, छोटे ग्लास में लोगे, बड़ी टंकी में लोगे पानी, डेंसिटी थोड़ी ना बदलेगी। तो ये बदल नहीं रही है अमाउंट ऑफ मटेरियल के हिसाब से, ठीक है ना। अच्छा, और क्या हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट। अब तुम बड़े कंटेनर में पानी को गर्म करो या छोटे कंटेनर में पानी गर्म करो, थर्मामीटर लगा के देखना, बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री पर ही उबलेगा पानी, उससे पहले तो नहीं उबलेगा, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट, अब पिघलाना है आपको, है ना, बर्फ पिघलेगी, बड़ी ज्यादा बर्फ भरी हुई है, कम बर्फ भरी हुई है, कुल मिला के पिघलेगी तो 0 डिग्री पर ही, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये क्या होता है, 1 किलोग्राम कोई सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो कितनी हीट देंगे। तो पर केजी का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री तो कितनी हीट दोगे। अब तुम ज्यादा लोगे तो भी पर केजी के लिए तो उतनी देनी पड़ेगी। तो स्पेसिफिक हीट भी, इसके बारे में भी डिटेल्स आगे आएगी, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें ये भी इंटेंसिव है, ये क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करेगी। तो पानी की स्पेसिफिक हीट जो है जो ये रहेगी 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 4.2 जूल देनी पड़ेगी, तो उतनी देनी पड़ेगी, भले ज्यादा पानी लो कम पानी लो, 1 ग्राम के लिए तो उतनी हीट देनी पड़ेगी। तुम बड़ा कंटेनर लोगे तो 1 ग्राम को गर्म करने के लिए उतनी हीट देनी पड़ेगी, छोटा कंटेनर लोगे तो 1 ग्राम को गर्म करने के लिए उतनी हीट देनी पड़ेगी। तो मतलब ये स्पेसिफिक हीट भी इंटेंसिव हो गया, ये भी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है ना। अच्छा, और क्या क्या हो सकते हैं, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे सरफेस
सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब ज्यादा बड़ी लेंथ और छोटी लेंथ उससे मतलब नहीं है, यूनिट लेंथ पे तो जितना लगना है उतना ही लगेगा। ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। और देखते हैं और क्या होती है इंटेंसिव, तो एक बार पूरी लिस्ट बना लेते हैं क्योंकि एग्जाम में इनमें से अपन को छाटने के लिए क्वेश्चन आता है कि कौन इंटेंसिव है कौन एक्सटेंसिव है, तो इसलिए एक बार में सारी लिस्ट बन जाएगी तो अपने को अच्छे से ध्यान रहेगा। मोस्टली जो भी एग्जाम में आते हैं वो सारे यहाँ पर बताए जा रहे हैं। विस्कोसिटी, इसके बारे में भी आएगी डिटेल्स, लेकिन अभी ध्यान रख लें कि ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी क्या होती है? ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही होती है, ठीक है ना। अच्छा और क्या होता है इंटेंसिव? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या होता है? वर्क डन टू मूव चार्ज, वर्क डन टू मूव चार्ज। देखना ये वर्क एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और चार्ज एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये चार्ज भी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ज्यादा चार्ज होगा, कम होगा तो कम चार्ज होगा, है ना। तो एक चीज यहाँ पर नई चीज निकल के आ रही है, आपको समझना, जब एक एक्सटेंसिव को दूसरे एक्सटेंसिव से डिवाइड देंगे तो जो आंसर आएगा ना, वो जो आंसर आएगा, जो नया प्रॉपर्टी आएगी वो होगी क्या? इंटेंसिव। तो वर्क डन टू मूव पर कूलाम चार्ज, जब एक कूलाम के लिए तो जो चाहिए रहेगा वही चाहिए रहेगा, है ना। तो जहां भी पर आ रहा है, हर एक आ रहा है, जैसे डेंसिटी, हर एक ग्राम कितना वॉल्यूम घेर रहा है, हर एक चार्ज पर कितना वर्क करना पड़ रहा है, तो हर एक हर एक हर एक जहां भी आएगा वो एक तरह से क्या हो गया है? इंटेंसिव हो गया है। ऐसे ही सपोज करिए कि आपको दे दिया पीएच, पीएच बताओ, तो पीएच भी एक इंटेंसिव है ना। ये सब चीजों की डिटेल आएगी, पीएच इंटेंसिव कैसे है वो भी आ जाएगा, है ना। ऐसे ही आपको बोले कि भाई मोलरिटी, मोलरिटी क्या होता है? ये आपके आ चुका है, मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में तो मोल जितने रहेंगे उतने ही रहेंगे, अब ज्यादा आप ले लो कम ले लो, जो नंबर ऑफ मोल्स हो सेम ही रहेंगे। तो ये भी मोलरिटी भी क्या है? एक तरह से इंटेंसिव ही है। ये क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करी, तुम ज्यादा एक कंटेनर में तुमने मान लो शक्कर घोल दी पानी में, अब उसकी मोलरिटी आप चेक करो तो थोड़े से पार्ट की भी वही रहेगी, बड़े पार्ट की भी वही रहेगी, नंबर ऑफ मोल्स एंड यूनिट वॉल्यूम तो सेम ही रहेंगे। तो ये भी क्या है? एक तरह की इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जहां पे भी एक चीज मतलब दिमाग में बैठा लो, यूनिट पर, वो सब इंटेंसिव है, मतलब एक लीटर में कितना चीज आएगा, कितने मोल होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? ये भी इंटेंसिव होगा। मोलर एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी, तो एंट्रोपी ऑफ पर मोल, यहाँ पे भी पर आ गया, पर आ गया, तो पर जहां भी आएगा वो क्या होगा? इंटेंसिव। पर का मतलब हर एक का, अब तुम भले ज्यादा लो कम लो, हर एक का तो जितना होगा उतना ही रहेगा। जैसे ग्लास ज्यादा लिया कम लिया, लेकिन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो तो वही रहेगा। जैसे पानी चाहे ज्यादा लिया चाहे कम लिया, 1 ग्राम पानी तो एक फिक्स जगह ही घेरेगा, 1 मिलीलीटर जगह ही घेरेगा, ठीक है ना। 1 किलोग्राम पानी है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब जगह घेरेगा, ठीक है ना। 1000 किलोग्राम पानी है तो 1 मीटर क्यूब जगह घेरेगा। तो मतलब ये फिक्स है, जो चीजें फिक्स है वो क्या कहलाती है? इंटेंसिव, जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर ले ली जाए, एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव अगर ये रेशियो निकाला जाए, तो जो आंसर आएगा वो एक इंटेंसिव होगा। मतलब जैसे वर्क भी अमाउंट ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, चार्ज भी अमाउंट ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेकिन ईएमएफ है वर्क डन टू मूव पर कूलाम चार्ज, तो पर आ गया ना, हर एक कूलाम को ले जाना, तो हर एक का मतलब क्या हो गया? इंटेंसिव, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, तो कुछ नाम तो आपने नए सुने होंगे, वो धीरे धीरे सब चैप्टर्स में कवर हो जाएंगे, कुछ चीजें पुरानी सुनी भी है, लेकिन एक बार लिस्ट बनानी थी तो वो लिस्ट पूरी बन चुकी है। तो आपको ये पूरी लिस्ट अगर ध्यान है तो आप कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि इंटेंसिव कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव कौन सी प्रॉपर्टी। तो फिलहाल कुल मिला के एक एग्जाम्पल दिमाग में बैठना चाहिए, बस उन्हीं उसी से सारी तुलना करते जाओ। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक एग्जाम्पल सोच लो कि ग्लास छोटा चाहे बड़ा, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे में सभी को दिमाग लगाते जाओ, ठीक है। और एक्सटेंसिव जिस जो कि मटेरियल पे डिपेंड करे, जैसे ज्यादा मटेरियल रखोगे तो ज्यादा काम करना पड़ेगा तुम्हें, कम मटेरियल रखोगे तो कम काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे ज्यादा बड़ा घर है तो सफाई करने में ज्यादा
ज्यादा है तो मेरे को काम करना पड़ेगा, छोटा घर है तो सफाई करने में कम काम करना पड़ेगा, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो जो क्वांटिटीज मटेरियल पर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ मटेरियल पर, वो एक्सटेंसिव है, और जो अमाउंट ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती वो क्या कहलाती है, इंटेंसिव। चलिए अब आगे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन चैप्टर का 8th टॉपिक देखेंगे। 8th टॉपिक में अपन क्या सीखेंगे, स्टेट वेरिएबल्स, मतलब कौन कौन से तरह के स्टेट वेरिएबल्स।